बिहार में उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये चुनाव काफी अहम था, लेकिन इस नतीजे से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान, ये तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इतना तो तय है कि इस चुनाव में सीएम नीतीश पूरी तरह बेअसर साबित हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी और आरजेडी ने अपनी सीट बचा ली है। उपचुनाव में सीएम नीतीश पूरी तरीके से बेअसर साबित हो रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा में नीतीश फैक्टर का असर नहीं है। आपको बता दें कि वोट शेयर से साबित हो गई है ये बात कि नीतीश फैक्टर इन दोनों सीटों पर कोई असर नहीं रखता। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह को 77,791 मत मिले थे। इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, फिर भी बीजेपी को 70,053 वोट मिले। बीजेपी को जो थोड़े कम वोट मिले हैं उसका एक कारण वोटिंग प्रतिशत का गिरना भी रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1,00,000 कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही मोकामा की बात करूं तो 2020 में अनंत सिंह ने नीतीश के उम्मीदवार के खिलाफ 78,721 वोट हासिल किए। जीत का मार्जिन 35,757 वोट रहा था, जबकि 2022 में नीतीश कुमार के साथ होते हुए अनंत सिंह की पत्नी को 79,744 वोट मिले। वहीं जीत का मार्जिन घटकर अब 16,741 रह चुका है। दोनों सीटों में से किसी पर सीएम नीतीश ने अपने उम्मीदवार दिए और ना ही प्रचार ना ही दिए और ना ही प्रचार किया। 2020 का परिणाम आप देखिए, गोपालगंज में जो स्थिति थी, सुभाष सिंह को 77,000 से ज्यादा वोट मिले थे और कुल वोट फीसदी की बात करूं तो यहां पर 43.91% रहा। बीएसपी से साधु यादव भी मैदान में थे, उनको भी 41,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो अब नतीजों को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। बेअसर तो वो लोग हो गए हैं। गोपालगंज में कभी 30,000 प्लस मार्जिन से जीता करते थे, इस पर सिंपथी वोट के वजह से मात्र 1,700 के मार्जिन पे आए हैं। न मोदी का, न योगी का, न बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का जादू चला। अरे बीजेपी वाले, आप का असर खत्म हो गया है, आपकी शाख खत्म हो गई है, आप पैक करके निकलिए बिहार से। जो उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव में नीतीश कुमार जी हाशिए पद पर रहा है, इसीलिए कि आप देख लीजिए कि दो जगह बिहार में उपचुनाव हुआ है, गोपालगंज और मोकामा में। मोकामा में अनंत सिंह का अपना दबदबाव है, वो अपने दबदबाव के बल पर जीते हैं। वहां सरकार का, नीतीश कुमार का, तेजस्वी का कोई रोल नहीं है, वो अपने दबदबाव पर जीते हैं। निर्दलीय भी जीते हैं कभी, उनका अपना जो दबाव है, बाहुबल है, वो अपने आप को छोटे सरकार कहते हैं, तो उसमें बिहार सरकार का क्या रोल है? उस वहां तो छोटे सरकार खुद है, अपने बदौलत भारतीय जनता पार्टी जीती है गोपालगंज में, और गोपालगंज में भी नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं और जनता ने जो फैसला सुनाया है हम सबों को मंजूर है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करेंगे कि दोनों जो सीट पर जो परिणाम आया है, तब देख रहे हैं कि जनता ने पूरे दिल से महागठबंधन को स्वीकार किया है और महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। यहाँ भाजपा के खिलाफ में यहाँ के लोग जो है मिजाज बना चुके हैं और वोट किया है। अभी देख रहे हैं कि बहुत कम अंतर से हमने गोपालगंज सीट हारा है, वहाँ और भी सहानुभूति फैक्टर है। अब देख रहे हैं कि इस मौके पर जो है, जब लोग दिवंगत सुभाष जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी एनडीए से, तो वहाँ बिल्कुल वो एनडीए का वोट नहीं है, वो सिर्फ सहानुभूति वोट है। रिजल्ट्स आए हैं, जो परिणाम आए हैं इन दोनों सीटों पे, ये महागठबंधन के परिणाम आए हैं। आप देखेंगे, अगर आप और ज्यादा नीचे जाकर के अंदर घुस करके विश्लेषण करना चाहेंगे, तो दोनों सीटों पे उम्मीदवारों के अपने अपने पॉकेट के वोट्स थे, और जो दोनों वोट्स मिले हैं वो उस पॉकेट से दुगुना तिगुना वोट मिले हैं। इसका मतलब कि महागठबंधन का वोट इन दोनों उम्मीदवारों को ईमानदारी से पड़ा है। गोपालगंज में एक चीज का विश्लेषण हम लोग जरूर कर रहे हैं कि कहां पे थोड़ी चूक रह गई, क्योंकि गोपालगंज की सीट भी हम जीत रहे थे। उपचुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि बिहार में सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के बीच है, और नीतीश कुमार जी का की जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मर्ज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में।
ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए चिंता की बात है। उसी तरह भाजपा ने ये साबित कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता भाजपा में है और भाजपा पूरी तरीके से चुनाव बिहार में लड़कर अच्छा परिणाम दे सकती है। तो इन नतीजों को हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहा है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पटना से जुड़ रहे हैं रजनीश। रजनीश, नतीजे आ गए और हर कोई जानना चाहता है कि इसके मायने क्या हैं, और देखा जाए तो किसी की जीत हुई किसी की हार हुई वो बात अलग है, लेकिन अब इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, जीत में भी हार, हार में भी जीत, क्या तलाशा जा रहा है अभी भी? देखिए, परिणाम सामने में है और हर राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रही है और लोगों के बीच बात रख रही है, और राजनीति है तो राजनीतिक तरीके से अपनी बातों को रखेगी भी। एक ही आंकड़े को अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है और वही काम यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं, क्योंकि दोनों सीट जो आरजेडी और बीजेपी के खाते में था वो इसे रिटेन करने में रखने में कामयाब हो गए हैं। हाँ। तो लिहाजा अब अपनी अपनी दावेदारी तो कर ही रहे हैं। अब एक ही पैमाना, एक ही इंडेक्स बीजेपी जहाँ पे वोट घट गए मोकामा में उसको गिना रहे हैं, लेकिन ये चीज अपने पे लागू नहीं कर रहे हैं वो गोपालगंज में, वही हाल दूसरी पार्टियों का भी है। तो अब आप इससे समझा जा सकता है, लेकिन इससे स्थिति स्पष्ट है और आने वाले चुनाव में जो बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में ये जो लिटमस टेस्ट था उसका जो परिणाम सामने आया है उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, पहली बातें बीजेपी को भी आत्ममंथन करने को मजबूर होना पड़ेगा समीकरण को लेकर और आगे की राजनीति को लेकर, मौजूदा जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण है इसको लेकर। देखिए, शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोट गोपालगंज में जिस तरीके से आरजेडी के खाते में गया है और जो परंपरागत वोट थे बीजेपी के वो वोट भी शिफ्ट हुए हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में और खासतौर पे जो आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो वहाँ पे देखिए 17,000 वोट किस तरीके से एआईएमआईएम के खाते में वहाँ पे गया है, और साथ ही साथ 7-8,000 वोट जो है जो इंदिरा यादव है उनके भी खाते में गया है। तो अब ऐसे में कुढ़नी का चुनाव है तो बीजेपी की फिर वही कोशिश होगी कि जो परंपरागत वोट है उसमें कैसे सेंध लगाया जाए, चाहे उम्मीदवार छद्म रूप से हो या जो भी हो, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चुनाव में दिए गए हैं दोनों ओर से। और दूसरी ओर जो जातिगत समीकरण को लेकर गोपालगंज में जो उम्मीदवार उतारे गए थे, यानी कि जो परंपरागत बनिया वोट है बीजेपी का उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, तो देखिए स्ट्रेटेजिक लड़ाई जो है आगे वो देखने को मिलेगी और अपना जो परंपरागत वोट है उसको कैसे बरकरार रखा जाए दोनों खेमों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और गोपालगंज में नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, गोपालगंज में दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर थे, हालांकि इनको कोई आंक नहीं रहा था लेकिन इनकी जो भूमिका थी उन्होंने जीत और हार को तय कर दिया। मसलन की साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और एआईएम का जो उम्मीदवार था, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया गोपालगंज में। बिल्कुल उलटफेर कर दिया और यही वजह है कि परिणाम जो है इस तरीके से आए हैं, लेकिन मार्जिन देखिए आप 1600-1700 वोट का यहाँ पे फासला है और उससे ज़्यादा नोटा जो है वो दबे है 2100 के आसपास। तो ऐसे में अब आरजेडी के जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है जो एक इंटैक्ट वोट माना जाता है उसमें जो स्थानीय स्तर पे जो उम्मीदवारी दी गई है उस समीकरण के हिसाब से उसका जो नुकसान है वो यहाँ पे महागठबंधन को उठाना पड़ा है आरजेडी को। और दूसरी ओर जिस तरीके से उम्मीदवार वहाँ पे आरजेडी ने दिए हैं इसका भी खामियाजा, देखिए 37,000 वोटों से जीत हासिल होती थी, 40,000 से जीत हासिल होती थी, चार टर्म से लगातार सुभाष सिंह की उस सीट पे कब्जा थे, लेकिन 1700 अगर सिमट कर आ गए हैं तो बीजेपी के लिए भी ये अलार्मिंग है। और चूंकि अब ये कहेंगे कि साथ नहीं है नीतीश कुमार तो उनका कोई जनाधार नहीं रहा, तो आखिर बिल्कुल देखिए बात तो यही है ना रजनीश की, चाहे मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व हो या फिर गोपालगंज में सुभाष जी का वर्चस्व हो, दोनों अपने आप में तुलनात्मक रूप से बहुत ही बराबर वर्चस्व रखते थे, वजन रखते थे, और लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं जो वोट है वो कम इस बार हुआ है, और ये दोनों पार्टियों के लिए विश्लेषण करने का भी समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1,00,000 कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।